हेलो दोस्तों, अभी हम एक फार्मा का स्टॉक का डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। और दोस्तों, उसका प्राइस बहुत अच्छा रेंज में मिल रहा है, आप बिल्कुल उसको खरीद सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो वो कौन सा स्टॉक है दोस्तों जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है? अरबिंदो फार्मा। अगर आपने नहीं खरीदा तो क्या करना चाहिए? जब किसी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? उसको खरीदना चाहिए। तो आपको भी यही करना है, ठीक है? उसको खरीदना है। कौन सा स्टॉक है? अरबिंदो फार्मा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 599.75, मान लेते हैं कि 600 का प्राइस है, ठीक है? 600 के प्राइस में आपको दबोच लेना है, एकदम नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। यहाँ पर देखिए अरबिंदो फार्मा, ठीक है, इसने एक हाईएस्ट बनाया था 900 के आसपास, ये जो है टच होने वाला था दोस्तों। 900 का स्टॉक आपको मिल रहा था जस्ट 400 में, मतलब कि दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रेट पे मिल रहा था। उसका बाद ये स्टॉक देखिए जब बाउंस बैक करना स्टार्ट किया दोस्तों, तो सबको फेल कर दिया। यहाँ देख सकते हो 400 के रेंज से नीचे आया था, उसका बाद जब ये ऊपर जाना स्टार्ट किया तो 600 को टच कर दिया। मैं आपको 1 month का डेटा दिखाता हूँ ये स्टॉक कैसे भागा है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कभी किसी को मौका ही नहीं दे रहा ये खरीदने के लिए, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए 400 का रेंज से जब भागता है तो ऊपर डायरेक्ट ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है उसके बाद, तो ये स्टॉक अभी आपको 600 की रेंज में मिल रहा है, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों हमें पोजिशनली जो है खरीदना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हो तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इंट्राडे में खरीद लो, फ्यूचर में खरीद लो, ऑप्शन में खरीद लो, ठीक है? ऐसे नहीं करना, हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों कि जब थोड़ा बहुत प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो 2 दिन के बाद ही कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये तो 5 दिन से गिर रहा है, भाई ये तो 1 महीने से गिर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? ऐसा कोई स्टॉक है ही नहीं जो डायरेक्ट आपको ऊपर सर्किट ही जाए, नीचे ना जाए। देखिए अगर ये स्टॉक भी ऊपर गया है तो ये यहां पर देखिए हाईएस्ट मारा था कितना, 500 के आसपास, उसके बाद यहां पर देख लीजिए 460 के आसपास इसने लोएस्ट बनाया, फिर इसने हाईएस्ट मारा कितना, 560 के आसपास, फिर इसने जो है लोएस्ट बनाया 580 के आसपास। तो ये स्टॉक मार्केट का खेला है, समझ रहे हो ना? ये स्टॉक मार्केट का मैजिक है। अगर इसी को आप समझ जाओगे और पेशेंस रखना सीख जाओगे तब आपको नुकसान होना कम हो जाएगा, जितने भी लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे ही स्टॉक हम खरीदते हैं ऊपर नीचे होना स्टार्ट ही हो जाता है, 1 मिनट में कितना फ्लक्चुएट हो जाता है वो भी हमें नहीं पता। और कंपनी की एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अराउंड 2.59, मतलब 2.5% के लगभग जो है इन्होंने अपना शेयर को प्लेज कर रखा है दोस्तों, प्रमोटर ने, ठीक है? प्रमोटर ने थोड़ा बहुत अपना शेयर को प्लेज कर रखा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। क्योंकि थोड़ा 50% के आसपास जो है इनके पास खुद की हिस्सेदारी है, उसके बाद इन्होंने जो है 2% का जो है प्लेज रखा, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, वो अलग है, इंटरनल प्रॉब्लम आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि वो सब लीक नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है? लीकेज नहीं होता दोस्तों, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर लीजिए कंपनी में एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, वो क्या है, डिविडेंड रिटर्न जो है अट्रैक्टिव नहीं देता, बाकी सब जो है वो पॉजिटिविटी आपको दिख रही है आपके सामने। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न, ठीक है? तो डिविडेंड रिटर्न क्यों नहीं दे रहा था आपको, मैंने दिखाया कि ये स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा पीटा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, 5 ईयर का चार्ट में आप लोगों के सामने लगाता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक यहाँ पर बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा पिट चुका था, ठीक है? और वहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी ये स्टॉक नीचे आता था तो एक बाउंस बैक मारता था, जब भी नीचे आता था तो एक बाउंस बैक मारता था। अब तो पूरा नीचे आ चुका है तो ये बड़ा ही बाउंस बैक मारेगा, ठीक है दोस्तों? तो इसी वजह से जब इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा था लगभग 1 ईयर से, इसीलिए जो है इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। जब कंपनी को नुकसान हो रही है तो कहाँ से डिविडेंड ला के देगा? और अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कंपनी का अर्निंग्स, ठीक है? कंपनी कितना अर्न कर रही है, कैसे अर्न कर रही है, और कैसे, मतलब कि तिमाही ऑन तिमाही या ईयर ऑन ईयर कंपनी आगे जा रही है या पीछे जा रही है, ठीक है? जैसे कि येस बैंक में सडनली एक न्यूज़ आता है कि उसके पास असेट ही नहीं है, तो येस बैंक का प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उसी तरह, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 2016 से हम देखते हैं, ठीक है? 2016 से आप देखो तो 34.65 था, चलिए ठीक ठाक था, लेकिन 2017
2017 में इंक्रीज हुआ था 40% के आसपास, ठीक है, 40% के आसपास। 2018 में भी यहाँ पर देख सकते हैं 41%, 2019 में देखिए 40%, ठीक है, थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ था, इसीलिए अभी जो है प्राइस इंक्रीज जो डिक्रीज हो चुका था, ठीक है। 900 का स्टॉक कितने में आ गया था दोस्तों, 400 के आसपास। उसके बाद देख सकते हैं 2019 से 2020 को हाइड किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत दिख रहा, ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी इस लेवल को भी तोड़ देगा दोस्तों, पॉजिटिविटी इस लेवल को भी तोड़ देगा, ये अभी शो नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको दिखाया जाएगा। तो कंपनी दोस्तों अर्निंग्स के मामले में लगभग ठीक ही है, ऐसा बात नहीं है कि कंपनी के पास ज्यादा वीकनेस है। अब हम रेवेन्यू चेक कर लेते हैं, रेवेन्यू चेक लेते हैं कंपनी का, तो रेवेन्यू जो है लगातार इंक्रीज होते जा रहा, कंटिन्यू इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रहा। 2016 में कितना था, 13, 2019 में कितना है, 19, ठीक है, तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो कंपनी में ग्रोथ भी आ रही है, क्वार्टर रिजल्ट में भी अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है तो वो भी अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हो तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप खरीद सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था या चाइना की अर्थव्यवस्था दोस्तों जितना भी है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब रहता है लोगों का। तो अगर लोगों का हेल्थ खराब रहता है तो कौन सी कंपनी चलेगी, आराम से आप बोल सकते हो कि फार्मा सेक्टर ही ज़्यादा दौड़ेगा, क्योंकि लोगों को जितना बीमारी नहीं हो रहा उससे ज़्यादा टाइप के जो है मेडिसिन निकाल दिए जा रहे हैं, जो अच्छे भी हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। अगर आप सब्जी भी खरीदने जाओ जो अच्छे रहते हैं सुबह सुबह जो हरे भरे रहते हैं, उसमें भी आपको बहुत टाइप टाइप के जो है कलर्स मिला देते हैं, बहुत मतलब कि आज कल हर जगह अडल्ट्रेशन हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक के चावल्स भी आ रहे हैं, प्लास्टिक के पनीर्स भी आ रहे हैं, प्लास्टिक के सब्जी भी आ जाते हैं आजकल, आपको पता है, तो भिंडी भी आ जाते हैं और बहुत सारे कैबेज जो है आ जाता है। उससे ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आ रहे हैं उससे भारत का अर्थव्यवस्था जो है खराब होगा, और प्रॉफिट किसको होगा, मेडिसिन कंपनियों को, ठीक है। तो ऐसे कंपनी आने वाले फ्यूचर में इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।